आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। आज का वीडियो बिल्कुल रेंडम है बट मैं इस चीज पे आपको फोकस करवाना चाहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी चीज अगर आपके दिमाग में नहीं है तो वो आपके आसपास रहेगी ही नहीं। आप कभी देखिए कि आप जहां बैठे हो, जहां रहते हो, उसके 6 फीट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, वही एक्चुअली आपका मेन फोकस बताती है कि आपका फोकस कहाँ रहता है, आप किस चीज पे अटेंशन देते हो और कौन सी चीजों से आप घिरे रहते हो जहां एनर्जी जाती है और वही चीजें आपके पास आनी शुरू होती है। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि नीट क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज्ड रखो, पर हर समय ये पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज तो है कि आप जिस चीज पे फोकस डालना चाहते हो, आप जो चीज चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उन सभी चीजों को मेक श्योर कि अपने दिमाग में रखो। मैंने इस रूम को कहीं से भी अरेंज नहीं किया है, मैंने रेंडमली ही इसको उठाया, इस मोबाइल को अपने से ट्राइपॉड से, और मैंने ये मैसेज देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया कि आप जो चाहते हो जीवन में वो सारी चीजों पे आपको फोकस देना है, वो आपके आसपास हर समय होनी चाहिए, चाहे आपका रूम ऑर्गेनाइज्ड हो या ना हो। जैसे मान लो ये देखो, यहीं पे ही मेरा विजन बोर्ड भी है, मेरी सारी बुक्स भी है, मेरा जो जर्नल भी है, ये देखिए सब कुछ, ये आप देख सकते हो, ये सारी वो चीजें हैं जो मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन देती हैं। ये सारी चीजें हैं, ये देखिए, ये मेरा मनी बोल भी यहीं पे ही रखा है, बुक्स रखी हुई हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका फोकस, मतलब अगर चीजें आपके दिमाग में हैं तो ही वो आपके जीवन में आएंगी। अभी आप इस ड्रॉअर में भी देखिए, मैंने सब चीजें जो मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, जो मैं करती हूँ, और वो आपको भी वैसे ही बताती हूँ। इसमें भी कुछ पैसे पड़े हुए होंगे, देखिए, मतलब रेंडमली भी कहीं आप पैसे रख सकते हो, इसमें भी है। उस डायरी में भी एक मिलेगा जो मैंने टेक्निक करके बताई थी आपको, वहां भी मिलेगा। ये देखिए, ये मेरा मैजिक रॉक भी आपको यहीं पे ही मिलेगा, बेड साइड के बाजू में। और ये देखिए, ये मेरी सक्सेस वॉल, जो सक्सेस वॉल की जो दिशा है वहाँ पे, ये भी आपको मिलेगी। मेरी जो पिक्चर मैंने एक मेरे पास जो रखी थी वो मैंने अभी रख दी है। कुछ यहाँ पर कुछ स्टोन्स भी पड़े हुए हैं। फाइनल मैसेज ये है कि जिन भी चीजों से आप घिरे रहते हैं, जो इमेजेस आप देखते हैं, जो चीजें आप कैरी करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज स्टोर हो जाती हैं और आपकी आइडेंटिटी से रिलेट हो जाती हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है उन सब चीज़ों से। अल्टीमेटली आपका घर, आपके आसपास की चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा विजन बोर्ड का रोल प्ले करती हैं। इसलिए मेक श्योर कि जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हो, जैसे आप बनना चाहते हो, जो आप हो, वैसी चीज़ों से आप घिरे रहें, सराउंड रहें, ताकि आपकी वहाँ एनर्जी फोकस जाए, ताकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर हों। नेचुरली ही उनको आपके वास्तविक जीवन में लाने की पूरी कोशिश करने लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो भी चीज़ पाना चाहते हो उसको अपने फोकस में रखो, अपने दिमाग में रखो। और हम मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के। तब तक आप सबका दिन शुभ हो।